वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के साथ आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहाँ तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बिहार स्पेशल हिस्ट्री एमसीक्यू में हम लोग मगध एम्पायर यानी कि मगध साम्राज्य के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी इजी है, नए लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, महाभारत के पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश था कौन सा था? वृदत, हर्यक, शिशुनाग या फिर नंद वंश? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृद्रथ वंश। वृद्रथ वंश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों अगर महाभारत पुराण के अनुसार देखा जाए तो वृद्रथ था, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए इतिहास के अनुसार, है ना, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा था? जरासंध, बिम्बिसार, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार। ठीक है, वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार था। बिम्बिसार किस वंश का स्थापना किया दोस्तों? तो उसने किया था हर्यक वंश का, ये आप देख रहे हैं ना, हर्यक वंश। ठीक है, ये हर्यक वंश की स्थापना की थी बिम्बिसार ने, और इसे ही बोला जाता है पहला वास्तविक संस्थापक। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वृद्रथ हो गया, है ना। कौन था फिर दोस्तों? वृद्रथ का बेटा था जरासंध। जरासंध की भीम के साथ युद्ध हुआ था महाभारत में, जिसे उसने दो टुकड़े कर दिए थे, आपको पता ही होगा, तो वही है जरासंध के पिता, जिसका नाम था वृद्रथ। ठीक है ना, तो इसे बनवाया था पहला मगध का राजवंश का, है ना। और अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो वो है बिम्बिसार। नेक्स्ट है दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे जाता है? साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे जाता है? मगध, वज, विदेह या फिर अंग को? राइट आंसर होगा दोस्तों थर्ड थ्री का ऑप्शन नंबर ए, मगध। ठीक है, साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे जाता है? मगध को जाता है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ था? जरासंध के शासनकाल से, बिम्बिसार के शासनकाल से, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से, फिर अशोक के शासनकाल से? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार के शासनकाल से। ठीक है, क्योंकि जरासंध तो पुराणों की दृष्टि से देखा जा रहा है और इसके शासन में कैसा क्या था वो उसका डिटेल नहीं पता, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार बिम्बिसार का शासन कैसा था ये अच्छी तरह पता है। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की शुरुआत हम बिम्बिसार से ही लेकर चलते हैं, तो ऑप्शन में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार के शासनकाल से। लेफ्ट साइड में दोस्तों इंग्लिश का भी सवाल दिया गया है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हिंदी के क्वेश्चन से आपको दिक्कत कर रहे हैं तो इंग्लिश के सवाल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, बिम्बिसार ने किस राजकुमार के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना, खेमा या फिर इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौशल देवी से विवाह किया था उसने, चेलना से भी किया था और खेमा से भी किया था, इन तीनों से उसने विवाह किया था। किसने? बिम्बिसार ने। क्यों किया था दोस्तों? ताकि वो अपने साम्राज्य को दोस्तों विस्तार करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था मगध से दूर दूर तक। ठीक है ना, तो उसने अन्य राजाओं की बेटियों से, पुत्रियों से विवाह करके अपना क्या किया, राज्य की स्थापना को क्या किया, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य पर विजय प्राप्त की? दोस्तों ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था जिसे पराजित करके बिम्बिसार ने उस राज्य पर अधिकार प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग को। ठीक है, अंग कौन था दोस्तों? अंग बिल्कुल मगध के पड़ोसी राज्य था और यहाँ के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, इसे पराजित किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन, वज्र संघ के लक्ष्मी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सेवंथ का ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। ठीक है, अब वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला कौन था? अजातशत्रु। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग और स्तूप का निर्माण करवाया था? बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, फिर इनमें किसी ने नहीं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एट का ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। ठीक है,
मगध के किस शासक ने राजगीर में किया क्या? दोस्तों राजगीर में किया था अजातशत्रु ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मगध साम्राज्य की शताब्दी में उदय हुआ था। मतलब मगध साम्राज्य दोस्तों सबसे पहली बार मगध साम्राज्य किस शताब्दी में उदय हुआ था, मतलब किस शताब्दी में मगध का विकास सबसे मतलब ज्यादा हुआ था, पहले शताब्दी में, तीसरी में, पांचवी में, फिर छठी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी, छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि BC में हुआ था दोस्तों, 600 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? काफी इंपॉर्टेंट है ये, VVI है। इसका इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने, ठीक है। किसके विरुद्ध किया था? अंग, काशी, लिच्छवी या फिर कौशल? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10th का ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी। गंगा के उत्तरी छोर में जो राज्य था दोस्तों वो लिच्छवी था, और लिच्छवी पे आक्रमण किया था उसने, और उसने महाशिला कंटक और रथ मूसल नाम के हथियारों का यूज किया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन, ठीक है, उदयन ने की थी। उदयन कौन था दोस्तों? तो उदयन भी हर्यक वंश का ही था। बिंबिसार उस आप बोल सकते उसके दादा हुए, और अजातशत्रु उसके पिता। इसने क्या किया दोस्तों? उदयन ने अजातशत्रु को की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके, उसने मगध पर साम्राज्य का अधिकार किया था, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागदशक, ठीक है। उदयन भी हर्यक वंश का ही था, अजातशत्रु भी हर्यक वंश का ही था, बिंबिसार भी हर्यक वंश का ही था, ठीक है ना। तो अंतिम शासक था वो कौन था? वो था नागदशक। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? मतलब राजगृह तो राजधानी था ही, उसके अलावा वैशाली को भी राजधानी बनाया था मगध का। किसने बनाया था दोस्तों? किस शासक ने? कालाशोक ने, नागदशक, महापद्म ने, फिर शिशुनाग ने। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी मगध की। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के, नागदशक, अशोक या फिर कालाशोक? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक, ठीक है। कालाशोक उसमें मगध का राजा था, मगध का सम्राट था, और उनकी उपस्थिति में ही 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब किसने किया था, किसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था? महाकश्यप ने, शावक मीर, मौलिपुत्र तिस से या फिर वसुमित्र ने? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 15 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। महाकश्यप ने की थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति किसने की थी दोस्तों अध्यक्षता? इसका भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शावक मीर ने। इसे सर्वकामनी भी कहा जाता था, ठीक है। तो सर्वकामनी दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पहला किया था महाकश्यप ने, और दूसरा जो संगति हुई थी बौद्ध, वो किया था शावक मीर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियो का नाशक, सर्व छत्रांतक और एक राट कहा गया? मतलब इतने सारे उपाधि दी गई उसे, किसे कहा गया? अजातशत्रु को, उदयन को, महापद्नंद को या फिर धनानंद को? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्नंद को, ठीक है। महापद्नंद कौन था दोस्तों? तो वो मगध का सम्राट था। उसने किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो उसने नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्नंद ने। यह भी सवाल बनता है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्नंद या फिर धनानंद? 18th का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद, ठीक है। धनानंद किसके समकक्ष था? तो सिकंदर के समकालीन था। धनानंद का किस वंश का दोस्तों? तो नंद वंश का था। धनानंद को मार करके फिर मगध का सम्राट कौन बना था? तो वो बना था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? महापद्नंद, बिंबिसार, बिंदुसार, फिर अशोक? कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
महापद्नंद, ठीक है। ये कौन था दोस्तों? नंद वंश का संस्थापक, अभी मैंने बताया था, इसने कलिंग को सबसे पहले मगध में मिलाया था, ठीक है। बाद में ये हट गया मगध से और स्वतंत्र राज्य बन गया था, फिर इसे बाद में अशोक ने जीता था, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? महापद्नंद ने। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है, वो कौन सा है? उस स्रोत का नाम बताना, उस बुक का नाम बताना दोस्तों। अशोक का शिलालेख है, देववदान है, इंडिका है, या फिर अर्थशास्त्र है? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, ठीक है। दोस्तों इसे लेकर बहुत सारे मैंने सवाल बनाए, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए इन सवालों को लेकर के, जैसे कितने पुस्तकें हैं बुद्धिज्म को लेकर के और इतिहास को लेकर के, उसका मैं अलग से बुक लिख वीडियो बनाया उन सारे किताबों का, ठीक है। प्राचीन जो जितने भी किताबें हैं, और मगध साम्राज्य को लेकर के, अंग साम्राज्य को लेकर के, लक्ष्मी साम्राज्य को लेकर के मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। वो सारे वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके जानने के लिए, आपके नॉलेज की दृष्टि से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसे उन वीडियोज को आप जरूर देखना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पाटलिपुत्र पर यवन के डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? नंद, मौर्य, सुंग, या फिर कण्व? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंग वंश, ठीक है। सुंग के जो शासनकाल में पाटलिपुत्र पर यवन के जो राजा थे डेमेट्रियस, उसका आक्रमण किया था। अगला है पाटलिपुत्र पर यवन के डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, सुंग के शासनकाल में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो दोस्तों उसका आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, 185 ईसा पूर्व, ठीक है, 150 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? पहले शताब्दी में, दूसरी में, तीसरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, पहली शताब्दी में, ठीक है। खारवेल कलिंग के शासक था, उसने मगध पर आक्रमण किया था, ना कि मगध ने कलिंग पर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, पहली शताब्दी में किया था खारवेल ने। अगला है किस सुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया? कुक्कुट विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था, वह कौन सा सुंग शासक था? वसुजेष, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, या फिर देवहूति? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन में बी, पुष्यमित्र ने, ठीक है। पुष्यमित्र वही था दोस्तों जिसने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था और मौर्य साम्राज्य को खत्म करके सुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था? 3 बार कुक्कुटराम विहार को नष्ट करने की कोशिश की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम बताएं। तो आपको क्रम बताना है सही सही, है ना। पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग, मौर्य, नंद, सुंग, या फिर कर्ण, या फिर शिशुनाग, हर्यक, मौर्य, नंद, सुंग। आपको ध्यान रखना है, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर को, ऑप्शन को देख लिया ध्यान से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पहले हर्यक वंश था जिसके किसने स्थापना की थी? बिंबिसार ने। उसके बाद शिशुनाग आया वंश, उसके बाद नंद वंश जिसके संस्थापक किसने की थी? महापद्नंद ने, ठीक है, जिससे कहा गया था एक राट, क्षत्रियों का विनाशक, इतनी सारी उपाधियां दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद कौन आया था? मौर्य वंश जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद आया सुंग वंश जिसकी स्थापना की पुष्यमित्र सुंग ने। उसके बाद आया था कर्ण वंश। तो ये सारे जो है ये सही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों इसे आप जरूर लाइक करें, जहाँ तक हो सके अपने सर्किल में से शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अदर सोशल मीडियाज पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब हैं तो अच्छी बात है, हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।